अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो, मैं उसकी इमेज आपके सामने वाली दीवार पर ला सकता हूं, ठीक किसी सिनेमा हॉल में चल रहे एक मूवी की तरह। मैं मजाक नहीं कर रहा। साल 1893 में निकोला टेस्ला ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर से कहा कि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूं। आप इस वक्त जो कुछ भी सोचोगे उसकी इमेज सामने वाली दीवार पर ला सकता हूं। आज के वक्त ऐसा कुछ सोचना भी नामुमकिन सा लगता है कि सिर्फ सोचने मात्र से ही हमारी सोची हुई चीज दीवार पर छप जाए, लेकिन उस इंसान के पास ऐसी डिवाइस बनाने के लिए पूरी थ्योरी तैयार थी। इतना ही नहीं बल्कि उस थ्योरी से कुछ समय पहले टेस्ला ने एक छोटी सी डिवाइस बना दी थी, जिसे स्टार्ट करने से ही कुछ ही समय के अंदर वो डिवाइस इतनी एनर्जी जनरेट कर पा रही थी कि एक ब्रिज और बिल्डिंग तक को आराम से गिराया जा सकता था। जब टेस्ला ने उस डिवाइस को चेक करने की कोशिश की, तब उनकी लेबोरेटरी और आसपास के नेबर्स के घर इस तरह से वाइब्रेट करने लगे कि डर में आकर टेस्ला को अपने उस डिवाइस को वहीं हथौड़े से तोड़ना पड़ा। अगर ये आपको इम्पोसिबल लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ला ने एक ऐसी डिवाइस का भी इन्वेंशन किया था जो समुद्र में कई सौ फीट की वेव्स को जनरेट कर सकती थी, जिससे दुश्मन के ढेरों शिप्स को सेकंड्स में तबाह किया जा सकता था। साथ ही जो सोनिक बीम्स हम गेम्स और मूवीज में देखते हैं, जिससे बड़े बड़े फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स को सेकंड्स में राख बना दिया जाता है, ऐसी बीम्स का भी टेस्ला ने इन्वेंशन कर दिया था। अब शायद ये सुनने में आपको नामुमकिन लग रहा हो, पर जो इंसान एक दिन में 20 घंटे काम करता हो और टाइम मशीन जैसी इम्पोसिबल चीज को बनाने के पीछे लगा हो, शायद उसके लिए पहले बताए हुए इन्वेंशन बहुत बड़ी बात नहीं थे। पर इसका एक अलग पहलू भी है। जितने रोमांचक आपको निकोला टेस्ला के इन्वेंशन लगते हैं, उतनी स्ट्रगल और दुख से भरी हुई उनकी जिंदगी थी, जहाँ जिंदगी की आखिरी समय में उन्हें बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा और अपनी जिंदगी के आखिरी 6 साल एक कमरे में अकेले एक कबूतर के साथ रहकर बिताने पड़े। लेकिन जो निकोला टेस्ला आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की ज्यादातर टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर हैं, जिनके साइंस प्रिंसिपल्स पर आज की मॉडर्न डे साइंस चलती है, उनकी ऐसी हालत हुई कैसे, यही आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और सच बता रहा हूँ, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो शुरुआत होती है 10 जुलाई 1856 क्रोएशिया से, जब तूफान से भरी हुई अंधेरी रात में निकोला टेस्ला का जन्म होता है। और जो दाइमा उस वक्त उस बच्चे की देखभाल कर रही थी, वह उस बच्चे को देखते ही कहती है कि ये बच्चा अंधकार का प्रतीक होगा, दिस चाइल्ड विल बी द सिंबल ऑफ डार्कनेस। ये सुनकर वहाँ खड़े कई लोग उस छोटे से बच्चे के लिए अंदर ही अंदर एक गलत धारणा बना लेते हैं। पर तभी निकोला टेस्ला की माँ अपने बेटे को हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं, मेरा बेटा रोशनी का प्रतीक होगा, ही विल बी द सिंबल ऑफ लाइट। शायद उस वक्त उनकी माँ ने ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये विश्वास और उनकी कही बात एक दिन इस हद तक सच हो जाएगी कि हमेशा के लिए निकोला टेस्ला अमर हो जाएंगे। टेस्ला शुरुआत से ही इन्वेंशन करने की तरफ प्रेरित थे और ये प्रोत्साहन उन्हें अपनी माँ से मिला था। ऐसा कहते हैं कि उनकी माँ ने अपने बचपन में हाउस होल्ड और फार्मिंग में मदद करने वाले अप्लायंसेस बनाए थे, और वो भी बिना किसी पढ़ाई के। चीजों को इन्वेंट करने को लेकर उनका लगाव आगे भी कम नहीं हुआ, जो बात खुद निकोला टेस्ला भी समझ पाए, और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने उसी दिशा में काम करने का मन बना लिया और आगे जाकर इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। बचपन से ही लोगों को टेस्ला का इंटेलिजेंट माइंड दिखने लगा था। जब वो अपनी 11th क्लास में ही इंटीग्रल कैलकुलस के सवालों को अपने मन में ही आंखें बंद करके सॉल्व कर दिया करते थे, जिसे देखकर उनके टीचर्स भी समझा करते थे कि ये जरूर चीटिंग कर रहा है। पर हालांकि उनके टीचर्स ये भी नहीं नकार सकते थे कि उनका अपनी पढ़ाई को लेकर पागलपन जैसा लगाव था, जिस वजह से इतनी छोटी सी उम्र में ही वे अपने दिन का आधे से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दिया करते थे। और ये समय कभी कम नहीं हुआ, बल्कि आगे जाकर उनका ये जुनून इस हद तक चला गया कि जब उन्होंने 1874 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया, तब यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक निकोला टेस्ला उस वक्त अपने आम दिनों में सुबह 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ा करते थे। अगर एक आम इंसान के दिन के रूटीन में हम इसे देखें, तो इस तरह से तो एक आम इंसान को तो सोने का समय ही नहीं मिलता, और उनके रूटीन में वो मुश्किल से 2 घंटे सोते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने पहले ग्रेजुएशन ईयर में ही एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म किया और हाईएस्ट मार्क्स अचीव करके दिखाए। लेकिन आगे कुछ सालों में टेस्ला जुए और गैम्बलिंग के ऐसे आदी हो गए कि अपनी जमा की हुई पूरी सेविंग्स के साथ उन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक बर्बाद कर दिया और लगातार एग्जाम्स में फेल होकर अपने ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद अपनी गैम्बलिंग की लत को छोड़ने के लिए उन्हें काफी समय लगा। और उसी दौरान वो एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करने लगे थे, जहां अपने इन्वेंशंस पर काम करते हुए उन्होंने उसी वक्त अल्टरनेटिव करंट को डेवलप कर दिया था। वो इंडक्शन मोटर के आइडिया को लेकर आए, जिससे एसी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता था और लगातार इसमें बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा इन्वेंशन था। लेकिन ये भी सच है कि हीरे की परत तो सिर्फ जौहरी को ही होती है, वरना बाकी लोगों के लिए तो वह एक पत्थर है। उस वक्त टेस्ला के साथ भी ऐसा ही हुआ और उनके कमाल के इन्वेंशन पर किसी ने गौर नहीं किया। इससे निराश होकर उन्होंने अमेरिका की तरफ रुख किया, और तब तक उनकी दोस्ती प्रसिद्ध इन्वेंटर चार्ल्स बैचलर से हो गई थी, जिन्होंने टेस्ला के दिमाग को समझ लिया था और टेस्ला को अपने दोस्त थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने के लिए कहा। उस वक्त चार्ल्स ने एडिसन को एक लेटर लिखते हुए कहा कि मैं 2 बुद्धिमान लोगों को जानता हूँ, जिनमें से एक हो तुम और दूसरा है निकोला टेस्ला। एडिसन के लिए इतना काफी था ये समझने के लिए कि वो अब एक जीनियस माइंड से मिलने वाले हैं। ये बात एडिसन को और अच्छे से क्लियर हो गई जब उन्होंने टेस्ला से मिलकर बातचीत की, और पहली मीटिंग के बाद ही
टेस्ला को अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दे दी और डीसी मोटर को अपग्रेड करने का काम दिया। उस वक्त थॉमस अल्वा एडिसन लगभग 14 कंपनीज को रन कर रहे थे, जिनमें से उनका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस था डीसी मोटर्स और करंट्स का। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो डीसी करंट को आप बैटरी से आने वाला करंट समझ सकते हैं, जिसे स्टोर करके रखा जाता है और वायर्स लगाकर उन बैटरीज का करंट किसी अप्लायंसेज में भेजा जाता है। हालांकि इस करंट की पावर वायर की लंबाई पर डिपेंड करती है, यानी कि लंबी वायर होने पर करंट की पावर कम हो जाती है। तो जिनको नहीं पता था वो समझ गए होंगे कि ये पूरी दुनिया डीसी करंट पर नहीं बल्कि एसी करंट पर चलती है, जिस वजह से हम दुनिया के एक कोने में होकर दूसरे कोने में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक वक्त में पूरे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन सभी कामों को करने के लिए एसी करंट का इन्वेंशन बहुत जरूरी था, जिसका आज हम सब फायदा उठा रहे हैं। पर जिस आदमी ने एसी करंट को इन्वेंट किया ना, वह कभी भी इन्वेंट करने के बाद फायदे में नहीं रहा, उल्टा उन्हें इसके इन्वेंशन के बाद बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। टेस्ला जब अपने एसी करंट के आइडिया को लेकर थॉमस अल्वा एडिसन के पास गए, तब उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए कहा कि यह इन्वेंशन बहुत ही खतरनाक है। लेकिन निकोला टेस्ला ये बात समझ गए थे कि एसी करंट के मार्केट में आने के बाद डीसी करंट का मार्केट पूरी तरह से खत्म हो जाता, जो कि एडिसन बिल्कुल नहीं चाहते थे। और एडिसन और टेस्ला के विचारों के बीच मतभेद के चलते टेस्ला को अपनी ये जॉब गंवानी पड़ी और आगे हालात इतने खराब हो गए कि लगभग $2 पर डे के हिसाब से मजदूरों की तरह टेस्ला को काम करना पड़ा, जहां पूरे दिन काम करने के बाद रात में सोने के वक्त वो अपने आइडिया पर काम किया करते थे। 1887 से लेकर 1888 के बीच उन्हें 30 से ज्यादा इन्वेंशन के लिए पेटेंट्स मिले। ऐसी अचीवमेंट के लिए जब उन्हें एक जगह स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, तब उनकी मुलाकात जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से हुई, जो कि एक बहुत बड़े फेमस इन्वेंटर और इंजीनियर थे और साथ ही एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की खूबी को देखते ही पहचान लिया और टेस्ला को अपनी कंपनी में जॉब के साथ एसी मोटर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट दिलाते हुए $60,000 एडवांस में दे दिए, जिसके साथ टेस्ला को एक अच्छी सैलरी पर जॉब मिल गई और साथ ही एक ऐसा एनवायरनमेंट भी जहां वह खुलकर अपने इन्वेंशंस पर काम कर सकते थे। धीरे धीरे मार्केट में एसी करंट का आइडिया फैलने लगा और कोई हैरानी नहीं थी कि शुरुआत में लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे थे। पर तभी थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी गंदी चाल चलते हुए एसी करंट को बदनाम करना शुरू किया। एडिसन ने लोगों को बताया कि एसी करंट बहुत ही खतरनाक है, जिसे साबित करने के लिए उस वक्त एडिसन ने ढेरों जानवरों को बांधकर हजारों लोगों के सामने उन जानवरों के शरीर में एसी करंट दौड़ाया, जिससे उन सभी जानवरों की मौत हो गई। एडिसन के लिए इतना गिरना काफी नहीं था, आगे उन्होंने एक क्रिमिनल जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, उसे एसी करंट की इलेक्ट्रिक चेयर से मौत देने के लिए सजेस्ट किया, जहां एडिसन की बात मान ली गई और उस क्रिमिनल को उसी तरह मारा गया। हालांकि एडिसन ने इलेक्ट्रिक चेयर का इन्वेंशन नहीं किया था, लेकिन एसी करंट का इस्तेमाल करके चेयर को कितना खतरनाक बनाया जा सकता है, ये उन्होंने साबित कर दिया। इन सब चीजों से लोगों के बीच डर बैठ गया कि एसी करंट बहुत खतरनाक है और इससे हमें जान का खतरा है। इस वजह से वेस्टिंग हाउस की कंपनी, जो कि उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वह इतने नुकसान में चलने लगी कि बस एक साल के अंदर ही वो लगभग बंद होने के कगार पर आ गई, जिस वजह से एसी करंट में हो रहे सभी कामों को रोक दिया गया। हालांकि तब तक टेस्ला के पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट आ चुका था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला कॉइल की इन्वेंशन की। आपने भी ढेरों वीडियोस में टेस्ला कॉइल देखा होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर और रिसीवर टावर होता है, जिसमें हजारों वोल्ट की करंट फ्लो कर रही होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे बिना वायर्स के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता था। रेडियो और टेलीफोन्स में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। निकोला टेस्ला के पास ऐसे कई इन्वेंशन थे जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती थी। इन्हीं इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन फेयर में, जो कि एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां टेस्ला ने करोड़ों लोगों के सामने अपनी सभी टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट किया। जिस वक्त उस भीड़ में एक महान शख्सियत जेपी मॉर्गन भी खड़े थे, जिनका नाम हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल बैंकर और फाइनेंसियर में से आता है, जिन्होंने मॉडर्न डे बैंक्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। तब जेपी मॉर्गन टेस्ला के इन्वेंशंस को देखकर बहुत इंप्रेस हुए, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला के इन्वेंशंस को फंड करने का फैसला किया और उनके रेडियो वाली टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें फंड भी दे दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 1893 में ही मार्कोनी ने रेडियो का इन्वेंशन करते हुए उसका पेटेंट कर लिया, जबकि लोगों का कहना था कि टेस्ला ने पहले ही कैलिफोर्निया फेयर में लोगों के सामने रेडियो दिखा दिया था। तो एक तरह से मार्कोनी ने टेस्ला के आइडिया को चुरा लिया था। अब रेडियो पहले ही इन्वेंट हो चुकी थी, तो इस वजह से जेपी मॉर्गन से मिले हुए रेडियो के फंड को टेस्ला से वापस ले लिया गया, क्योंकि अब वो उनकी इन्वेंशन नहीं रही। पर इससे टेस्ला को जरा भी दुख नहीं हुआ और उन्होंने बिना देरी किए अपने दूसरे इन्वेंशन वार्डन क्लेफी टावर पर काम करना शुरू कर दिया। वार्डन क्लेफी टावर 55 फीट से ज्यादा लंबा टावर था, जो कि मैसेजिंग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इससे समुद्र में चल रही शिप्स को मैसेज किया जा सकता था। इसे टेस्ला और भी डेवलप करना चाहते थे और उनका विजन था कि वो इस टावर की मदद से इतनी ज्यादा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे कि टावर बिना किसी वायर के पूरे शहर को बिजली से रोशन कर सके। पर जब इस बारे में जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला अपने टावर्स के जरिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते हैं, तब इसे एक नॉन प्रॉफिट इन्वेंशन समझकर जेपी मॉर्गन ने आगे आने वाले सभी फंड्स रोक दिए
और कहीं से भी फंड ना मिलने की वजह से 1906 में टेस्ला को अपना ये टावर भी बंद करना पड़ा। हालांकि ये उनकी अकेली इन्वेंशन नहीं थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अगर कुछ साल पहले जाकर देखें तो 1893 में उन्होंने अर्थक्वेक जनरेटर मशीन बनाई थी जो कि एक छोटी सी ऑसिलेशन ऑसिलेटर डिवाइस थी जो कि इस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करती थी कि वह अपने आसपास की जमीनों को भी आराम से हिला दे। जब पहली बार टेस्ला ने इसे यूज किया था तब उनकी लेबोरेटरी पूरी तरह से हिलने लगी थी और उन्होंने डर में आकर अपनी उस मशीन को ही तोड़ डाला। आगे जाकर उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में इस मशीन का इस्तेमाल किया और पाया कि बिल्डिंग कुछ ही समय में गिर गई। उनका ये मानना था कि बस एक घंटे के अंदर ही इस मशीन के जरिए वह बड़े से बड़े ब्रिज तक को गिरा सकते हैं, पर बेशक इससे किसी का फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ये सोचकर आगे उन्होंने इस पर काम नहीं किया। हालांकि ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है कि कोई अर्थक्वेक कैसे जनरेट कर सकता है, पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात उनकी एक थ्योरी थी जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। टेस्ला की उस थ्योरी के हिसाब से जब भी हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तब हमारी आंखों के रेटिना पर उसका एक इमेज बन जाता है और टेस्ला की थ्योरी के हिसाब से उस इमेज के रिफ्लेक्शन को सामने किसी स्क्रीन या पर्दे पर दिखाया जा सकता है। यानी कि जो भी चीज हम सोच रहे होंगे बस सोचने मात्र से ही वो हमारे सामने दिखने लग जाएगी। और इस इन्वेंशन को लेकर टेस्ला की पूरी थ्योरी तैयार थी कि वो किस तरह से ऐसे डिवाइस को बना सकते हैं, पर फिर से फंड ना मिलने की वजह से उन्हें ये भी बंद करना पड़ा। और इसी तरह की टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन मिलाकर निकोला टेस्ला के नाम 300 से ज्यादा पेटेंट थे जिन्हें अगर समय पर फंड कर दिया जाता तो कम से कम उन 300 टेक्नोलॉजीज में से कुछ टेक्नोलॉजी आज सच्चाई बन जाती या हम उन टेक्नोलॉजीज के एडवांस फॉर्म को देख पाते और शायद हम आज की दुनिया के मुकाबले 50 से 100 साल आगे जी रहे होते। लेकिन वो इन्वेंटर जिसके पास क्षमता थी कि वो पूरी दुनिया को बदल सकता था, उसके जीवन का अंत आते आते उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई कि अपने आखिरी 6 साल उसे अकेले एक होटल के रूम में बिताने पड़े जहां उसके पास लास्ट में इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो रूम का रेंट तक पे कर सके। और उनकी इस हालत का सबसे बड़ा कारण था कि टेस्ला को अपने प्रॉफिटेबल इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी का कभी ठीक से पेटेंट नहीं मिल पाया। जो टेक्नोलॉजी टेस्ला को बिलियनेयर बना सकती थी उनका कभी टेस्ला को पेटेंट मिला ही नहीं, जिसका कारण था कि टेस्ला अपना ज्यादा समय इन्वेंशंस करने में ही बिताया करते थे और लगभग दिन के 20-20 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 2 घंटे की नींद लिया करते थे। ऐसे में उन्हें अपने कई इन्वेंशंस को तो पेटेंट करने का ख्याल तक नहीं आता था जो कि बाकी इन्वेंटर चोरी कर लिया करते थे। इसी वजह से टेस्ला की रेडियो टेक्नोलॉजी हो या फिर एक्सरे टेक्नोलॉजी, जिसके लिए जर्मन साइंटिस्ट विलियम कॉनराड को इन्वेंटर माना जाता है, जबकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कॉनराड के इन्वेंशन से काफी पहले ही टेस्ला ने 1884 में इनविजिबल रेडिएंट रेज का इन्वेंशन कर दिया था और ऐसा कहते हैं कि एक्सरे इमेज भी उन्होंने तब बना ली थी, पर अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट ना करने के चलते कॉनराड ने आगे उसे अपने नाम कर लिया। और इन्हीं चीजों के चलते टेस्ला टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन तो डेवलप कर पाए लेकिन उससे कभी अच्छे पैसे नहीं कमा पाए क्योंकि इन्वेंशंस के पेटेंट तो दूसरे इन्वेंटर ही ले जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें फंड्स आना भी बंद हो गए, जिससे 1917 में निकोला टेस्ला पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया और न्यूयॉर्कर होटल के 33वें फ्लोर के 3327 रूम में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी 6 साल एक कबूतर के साथ बिताए जहां उनकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद 7 जनवरी 1943 में निकोला टेस्ला ने इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कह दिया और इसी के साथ निकोला टेस्ला का जीवन सफर वही खत्म हो गया। तो निकोला टेस्ला की स्टोरी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट बायोपिक किसकी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।